नमस्कार मित्रों, वायु आयुर्वेद में आज हम बात करेंगे बच्चों में बुखार आने के बारे में। बुखार क्यों आता है, बुखार है क्या, किस कारण से होता है, फीवर में क्या फर्स्ट एड करना चाहिए, इसके अलावा आयुर्वेदिक सिद्धांत क्या है, घरेलू नुस्खे कौन से कर सकते हैं और आयुर्वेदिक औषधि क्या दी जा सकती है, इसके अतिरिक्त डॉक्टर के यहाँ ले जाने की इमरजेंसी कब होती है। पिछले दिनों ही मेरे पास एक महिला आई जिन्होंने ये कंप्लेन की कि उनके बच्चे को बार बार बुखार आता रहता है। उसे हर 15-20 दिन में एक महीने में एक बार बुखार तो आ ही जाता है। इसके अलावा मौसम बदलने के साथ भी बुखार आ जाता है। कभी भी अगर उल्टी या दस्त होते हैं तो उसके बाद भी बुखार आने लगता है और इस वजह से बच्चा कमजोर है, बच्चे की ग्रोथ बराबर नहीं है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए। इसके अलावा भी बच्चों को बुखार की समस्या बार बार और आसानी से होती है, इसके बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। फीवर क्या होता है। फीवर यानी कि बुखार, जिसे हिंदी और संस्कृत में ज्वर कहा जाता है और मराठी में ताप कहा जाता है, इट इज अ कंडीशन ऑफ इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन। इसका अर्थ है कि बच्चे को अगर किसी तरह का इन्फ्लेमेशन है, किसी प्रकार का शोथ है, किसी प्रकार की सूजन है या फिर कोई इन्फेक्शन है, ऐसी कंडीशन में ही फीवर आता है, बुखार आता है। इसलिए फीवर के कारणों का पता लगाकर ही उसकी चिकित्सा की जाती है, उसका इलाज किया जाता है। बुखार कई प्रकार का होता है, जैसे कि शॉर्ट ड्यूरेशन फीवर यानी कि थोड़े समय के लिए आने वाला बुखार, लॉन्ग ड्यूरेशन फीवर बहुत लंबे समय तक बना रहने वाला बुखार, इंटरमिटेंट फीवर यानी कि जो हर 2-3 दिन में या हर दूसरे दिन ही बुखार आता है, बाईफेजिक फीवर यानी कि जो सुबह और शाम केवल बुखार रहता है, पीरियडिक फीवर एक निश्चित अंतराल के बाद अगर बुखार आता है तो इसे पीरियडिक फीवर कहते हैं। इसके अलावा शरीर में खुजली के साथ, फोड़े या फुंसी के साथ अगर फीवर आता है, बुखार आता है तो इसे फीवर विद रैशेस कहते हैं। नॉर्मली बच्चों का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो एडल्ट की अपेक्षा ज्यादा होता है, यानी बड़े लोगों की अपेक्षा ज्यादा होता है। बच्चों में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 36.1 डिग्री सेल्सियस से 37.8 डिग्री सेल्सियस तक होते हैं, जिसे 97 डिग्री फॉरेनहाइट से 100 डिग्री फॉरेनहाइट कहा जा सकता है। फीवर एक कंट्रोल्ड इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर होता है ओवर द नॉर्मल वैल्यू। इसका अर्थ है कि अगर जो नॉर्मल वैल्यू बताई गई है उससे ज्यादा फीवर हो रहा है, उससे ज्यादा बॉडी टेम्परेचर है, तो इसे फीवर कहते हैं। यूजुअली बच्चों में रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो सबसे कम होता है और शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में बच्चों का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो पित्त प्रकृति के बच्चे होते हैं उनका टेम्परेचर अन्य बच्चों के अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा रहता है। फीवर को कहाँ चेक करना चाहिए और कैसे चेक करना चाहिए। टेम्परेचर चेक करने के लिए ओरल कैविटी यानी कि मुँह में, एक्जिला यानी कि आर्मपिट में, रेक्टम यानी कि मल द्वार में और ईयर कैनाल यानी कि कान में टेम्परेचर चेक किया जा सकता है। जो बच्चे 4 या 5 साल से कम उम्र के होते हैं उनका एक्जिलरी टेम्परेचर चेक किया जाता है, यानी बाह के नीचे थर्मामीटर रख के टेम्परेचर चेक किया जाता है। 4-5 साल की उम्र से बड़े बच्चों का ओरल टेम्परेचर चेक किया जाता है, यानी कि मुंह में थर्मामीटर रखकर टेम्परेचर चेक किया जाता है। 4-5 साल से छोटे बच्चों में जो एक्जिलरी टेम्परेचर होता है, यदि वो 37.2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है या फिर 99 डिग्री फॉरेनहाइट से ज्यादा है, तभी उसे फीवर कहेंगे। 4-5 साल से ऊपर के बच्चों में ओरल टेम्परेचर लिया जाता है 37.5 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा है या फिर 99.5 डिग्री से अगर ज्यादा है तो ही इसे फीवर कहा जाता है। इसका कारण ये है, जो हम नॉर्मल टेम्परेचर बताते हैं वो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बताते हैं, इसलिए स्किन के ऊपर यानी कि जब आर्मपिट में टेम्परेचर लेते हैं तो वो कंपैरेटिवली कम होता है। ओरल कैविटी का टेम्परेचर भी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर से थोड़ा सा कम रहता है, इसलिए 99.5 डिग्री फॉरेनहाइट पर फीवर कहा जाता है। सबसे एक्यूरेट टेम्परेचर रेक्टल टेम्परेचर होता है, लेकिन क्योंकि रेक्टल कैविटी का टेम्परेचर लेना इनवेजिव प्रोसेस होता है, इसलिए ज्यादातर एक्सिलरी या फिर ओरल टेम्परेचर ही चेक किया जाता है। थर्मामीटर कौन सा यूज करें। घरों में यूज करने के लिए मरकरी थर्मामीटर का यूज किया जाता है, जो कि 2 से 4 मिनट रिकॉर्ड करने के लिए लेता है। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर जो कि 30 सेकेंड्स में फीवर को रिकॉर्ड करता है, ज्यादातर क्लिनिक्स में यूज किया जाता है, लेकिन क्योंकि इसमें कैलिब्रेशन की जरूरत होती है इसलिए ये घर में यूज करने के लिए उतना एक्यूरेट नहीं माना जाता है। हमने देखा कि इंफ्रारेड थर्मामीटर कोरोना काल में ज्यादा यूज किए गए क्योंकि ये ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, केवल ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। आयुर्वेद में ज्वर के लिए कहा गया है कि ज्वर प्रत्यात्मिकम लिंगम संतापो देह मानस। इसका मतलब है कि मन और शरीर में अगर संताप हो यानी कि ताप हो तो ही उसे ज्वर
ज्वर कहा जाता है। ज्वर के क्या क्या प्रभाव होते हैं? सबसे पहले तो मन और शरीर में ताप होना, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ होना, इसके अलावा भोजन में अरुचि होना, प्यास की अधिकता होना, अंगों में वेदना होना, इसके अलावा हृदय में पीड़ा होना, ये सभी ज्वर के प्रभाव कहे गए हैं। इसके अतिरिक्त ज्वर के जो पूर्व रूप बताए गए हैं, मतलब कि ज्वर होने के पहले कुछ लक्षण से आप ये पता कर सकते हैं कि बच्चे को शायद बुखार आ सकता है, जैसे कि आलस्य होना, नेत्रों से आंसू बहना, यानी कि बार बार आंखों में आंसू आना, बार बार जम्हाई लेना, शरीर में भारीपन महसूस होना, बिना काम किए ही थकने की प्रवृत्ति होना, इसके अलावा बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होना, यानी कभी गुस्सा आना, कभी खुश होना, इसके अलावा मुंह का स्वाद बिगड़ जाना, ये सारे ज्वर के पूर्व रूप कहे गए हैं, यानी ज्वर होने से पहले आने वाले लक्षण कहे गए। ज्वर आने का मुख्य कारण होता है, ज्वर के यानी कि फीवर के दो मुख्य कारण बताए गए हैं, पहला इन्फ्लेमेशन यानी की सूजन और दूसरा इन्फेक्शन। इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा जब कभी डायरिया होता है, यानी कि दस्त लगते हैं, उल्टियां आती हैं, वॉमिटिंग होती है, या बच्चे को बहुत ज़्यादा एग्जर्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो थक जाता है, तो इसकी वजह से शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिसके कारण भी शॉर्ट ड्यूरेशन फीवर आ सकता है, यानी कि एक या दो दिन के लिए बच्चे को बुखार आ सकता है। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है बच्चों में फीवर आने का, वो वायरल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन कॉज होता है। बार बार बुखार आने का कारण ये भी हो सकता है कि बच्चे की इम्यूनिटी वीक है, जिसकी वजह से बच्चे को बार बार इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन हो रहे हैं, जिसके कारण बच्चे को बार बार बुखार आ रहा है। एक महीने से कम के बच्चे को बुखार आता है तो उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसमें घर में किसी भी तरह की औषधि देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। ज़्यादातर एक महीने से कम आयु के बच्चे को बुखार नहीं आता है। अगर बुखार आता है तो ये न्यूमोनिया, मेनिनजाइटिस, सेप्सिस या फिर किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसके अलावा एक महीने से कम के बच्चे को कभी कभी बहुत ज़्यादा कपड़े पहना देने के कारण, अगर बहुत गर्म वातावरण है तो डिहाइड्रेशन के कारण भी बच्चे को बुखार आ सकता है, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ऐसे समय पर बच्चे के कपड़े जो है कम कर देने चाहिए, उसको लगातार ब्रेस्ट फीड कराते रहना चाहिए और कंसल्ट डॉक्टर को करना चाहिए। 1 से 3 महीने के बच्चे में बुखार, कारण और चिकित्सा। अगर 1 से 3 महीने के बीच के बच्चे को बुखार आ रहा है तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि उसे अभी अभी इम्यूनाइजेशन दिया गया है, क्योंकि जो DPT का इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कि 6 वीक, 10 वीक्स और 14 वीक में लगाया जाता है, उस इम्यूनाइजेशन के बाद बच्चों को अक्सर बुखार आता है। इस समय पर उसको ब्रेस्ट फीडिंग अप्रोप्रिएटली कराते रहना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की कंसल्टेशन से ही मेडिसिन देनी चाहिए। इसके अलावा कई सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस इस समय पर होते हैं। किसी तरह का कारण दृश्य है, जैसे कि बच्चे को डायरिया या फिर वॉमिटिंग हुआ है, यानी कि दस्त या उल्टियाँ हुई हैं, और उसकी वजह से डिहाइड्रेशन के कारण फीवर आ रहा है, तो उसके अनुसार औषधि दी जाती है। लेकिन अगर किसी तरीके के बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के कारण बुखार आ रहा है तो इसमें विशेष औषधियों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार दिखे, अगर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर, सुस्त, इनएक्टिव दिखे, तो ये इमरजेंसी हो सकती है, इसलिए तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर 3 महीने की एज के बच्चे के ऊपर बुखार आता है तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि हमने बताया कि दस्त लगने के कारण, इसके अलावा वॉमिटिंग होने के कारण। अक्सर 3 महीने से 5 साल के बीच के बच्चों में इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, मतलब कि खाना समय पर नहीं पचता है, जिसके कारण उन्हें जल्दी दस्त यानी कि डायरिया होना या फिर वॉमिटिंग, उल्टी की शिकायत होने लगती है, जिसके कारण डिहाइड्रेशन होता है और बुखार आने लगता है। ये कॉमन कोर्स होता है, बहुत सारे बच्चों में जनरली देखा जाता है। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन, नॉर्मल सिंपल फ्लू होना, ये बहुत ज़्यादा देखा गया है बच्चों में। हर मौसम चेंज के साथ अगर बच्चों की इम्यूनिटी वीक है तो उन्हें वायरल इन्फेक्शन, वायरल फीवर आ जाता है। यूजुअली वायरल फीवर 1 से 2 दिन में, मैक्सिमम 3 दिन में चला जाता है। इसके अलावा हैंड फूट माउथ डिजीज़ जैसी कई सारी ऐसी वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जिनके कारण बच्चों को बुखार आ सकता है। डिहाइड्रेशन और वायरल इन्फेक्शन, इन दोनों ही कंडीशंस में
एक गोल्डन रूल बताया गया है। सबसे पहले तो बच्चे को लॉट्स ऑफ वाटर देना चाहिए। अगर ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा करता है तो उसे अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, और अगर बच्चा बाहर का खाना खाता है 6 मंथ से ऊपर की एज का है तो उसे ORS सोल्यूशन देना चाहिए और उबाल कर ज़्यादा मात्रा में पानी पिलाते रहना चाहिए। इसके अलावा हाई प्रोटीन डाइट देनी चाहिए, मतलब कि बच्चे को दाल का पानी, खिचड़ी, सुपाच्य आहार देना चाहिए, और इसके अलावा बेड रेस्ट कराना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आराम कराना चाहिए। ये 3 गोल्डन रूल अगर फॉलो करते हैं तो सिंपल वायरल इन्फेक्शन और डिहाइड्रेशन आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा कई सारे और इन्फेक्शन भी होते हैं जिसके कारण बच्चों को फीवर आता है, बुखार आता है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्रॉनिक डिजीजेस, मलेरिया, टाइफॉइड। इसलिए अगर बच्चा इनएक्टिव है और 2 या 3 दिन से ज़्यादा उसे बुखार आ रहा है तो डॉक्टर की तुरंत सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही औषधियाँ देनी चाहिए। अभी ट्रीटमेंट के बारे में हम विस्तार से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो गोल्डन रूल को फॉलो करना चाहिए, यानी कि लॉट्स ऑफ वाटर, हाई प्रोटीन डाइट और बेड रेस्ट। कोल्ड फोमेंटेशन यानी कि शरीर पर, माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने से भी आराम होता है। आयुर्वेद के अनुसार बच्चों में जो औषधि बताई गई है वो बाल चतुर्भद्र चूर्ण बताई गई है, क्योंकि ये अन्न पाचन को ठीक करता है, कफ को कम करता है। इसलिए अगर सर्दी, खांसी, जुखाम के साथ या पेट में किसी परेशानी के साथ, इन्फेक्शन के साथ अगर बुखार आता है तो बाल चतुर्भद्र चूर्ण बहुत लाभदायक होता है। बाल चतुर्भद्र चूर्ण सिरप और चूर्ण दोनों ही फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। कई जगह ये बाल संजीवनी, बाल अमृत, चतुर्भद्र चूर्ण आदि के नाम से भी जाना जाता है और मार्केट में उपलब्ध है। इसके अलावा सुंठ का प्रयोग भी मधु के साथ यानी कि शहद के साथ करना बहुत लाभदायक होता है। बाल चतुर्भद्र चूर्ण एक, जिसे बाल रसायन कहा गया है, मुस्ता, पिपली, कर्कट, श्रृंगी और अतिविषा से बनी हुई ये औषधि अलग अलग संहिताओं में बच्चों के लिए बताई गई है, क्योंकि ये ज्वरग्न भी है। इसके साथ में ये पेट की परेशानियों को भी ठीक करती है। When to consult doctor, डॉक्टर से परामर्श कब लें? 3 महीने से कम एज के बच्चे में हर तरह के बुखार में डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही छोटी एज होती है, टेंडर एज होती है। इसलिए कई बार कई सारे सीरियस इन्फेक्शंस, क्रोनिक इन्फेक्शन पॉजिटिव फैक्टर हो सकते हैं बुखार आने के, इसलिए डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। 3 महीने की उम्र से बड़े बच्चों में अगर एक्सिलरी टेम्परेचर 100 डिग्री फॉरेनहाइट से ज़्यादा है, 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, या फिर 1.5 दिन से ज़्यादा यानी कि 36 आवर से ज़्यादा बच्चे को बुखार रहा है तो इसके कंडीशन में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर बच्चे को जाड़ा लग के बुखार आ रहा है यानी कि चिल्स और राइगर्स के साथ बुखार आ रहा है, बच्चा बहुत ज़्यादा डल है, एक्टिव नहीं है, खाना नहीं खा रहा है, माँ का दूध भी नहीं पी रहा है, स्माइल नहीं कर रहा है, अगर लगातार रो रहा है बच्चा और शरीर में रैशेस हैं, इन सभी कंडीशंस में बच्चे के माता पिता को तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। बच्चों में बुखार आने का एक मुख्य कारण बच्चों की इम्यूनिटी वीक होना भी होती है, मतलब कि उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम होती है। इसलिए बच्चों को नित्य रूप से च्यवनप्राश खिलाना, आंवले का मुरब्बा खिलाना, इसके अलावा मैदे से बनी हुई चीज़ें कम से कम देना, उनकी जो अन्न पचन व्यवस्था है वो जितनी अच्छी होगी उनकी जो इम्यूनिटी है वो उतनी अच्छी होगी। इसलिए बच्चों को बार बार बीच बीच में खिलाना, उनका पहले का खाना ना पचा होने पर खिलाना। इसके अलावा अगर बच्चे को सर्दी, खांसी, जुखाम बहुत ज़्यादा है, ऐसी कंडीशन में अक्सर बच्चों को भूख नहीं लगती है जिसका कारण होता है कि अग्नि मंद हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी अगर आप बार बार और ज़्यादा मात्रा में भोजन खिलाते हैं या फिर कफ बढ़ाने वाली चीज़ें खिलाते हैं तो बच्चे को फीवर आने लगता है और किसी सीरियस इन्फेक्शन में ये कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए बच्चों की इम्यूनिटी बनाए रखने का भी प्रयास करना चाहिए। बच्चों को हमेशा लघु और सुपाच्य आहार देना चाहिए, स्वास्थ्य वर्धक आहार ही देना चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आयुर्वेद का पालन करें, उचित आहार लें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।